गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल जी। क्या हाल है, कैसे उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आई एम ट्रैवल, तो मैं आज जा रही हूँ मैके अम्मी और के घर पेशावर, और सफ़र में हूँ या सीन ने मुझे बिठा दिया था। काफ़ी लेट हो गए थे हम लोग, लेकिन हम घर से निकल नहीं सके थे, तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ कुछ अपनी ब्लॉगिंग शेयर कर लूँ। और मैं अभी बस अभी तो हम क्योंकि क्लास में भी नहीं आए, तो मैंने कहा चलिए आप लोगों को बता दीजिए कि आज जो जो आज अपने मैके गई है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो मैं काफ़ी अरसे के बाद तकरीबन 5-6 माह के बाद घर जा रही हूँ, और सफ़र में हूँ, आपको अपडेट देती रहूँगी। बादल भी बने हुए हैं यहाँ पर, वहाँ के मौसम का कोई आइडिया नहीं है, यहाँ पर तो बादल बने हुए हैं। यहाँ से मुझे ये सीन में बिठा दिया था, और आगे से फिर लोग मुझे भाई ले लेंगे। तो आप प्लीज़ जिन्होंने मुझे अभी ज्वाइन किया है, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को हर वक्त मिलती रहे। और मैं अभी जब पहुँचूँगी वहाँ पर, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। वहाँ पर असल में नेट का बहुत प्रॉब्लम है अम्मी के घर पर, तो मैं अगर आप लोगों के साथ वीडियो शेयर ना कर सकी, तो इंशाल्लाह मैं जब वापसी में आऊँगी जितनी वीडियो होंगी फिर मैं घर आके तो अपलोड करूँगी और फिर आप तक पहुँचेगी। तो इसके लिए माजरत है आप लोगों से कि आप लोगों को मेरी वीडियो लेट मिलेगी। तो कोशिश करूँगी अगर वहाँ पे कुछ नेट का हो सका तो मैं ज़रूर वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैंने कहा आप लोगों को बताएं कि जी आप कहेंगे ये कहती है तो जाती नहीं है, तो बस मैं आफ्टरऑल आज निकल आई हूँ घर से, और घर के बेहद काम कर करके ये देखिए ये हमारा यहाँ का साइन बोर्ड है, ये देखिए। तो फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, मेरे साथ रहिएगा, और इंशाल्लाह फिर वहाँ पहुँचती हूँ, फिर भाई आएंगे तो फिर आप लोगों के साथ और बहुत सारी बातें अपने भतीजा भतीजियों से सबसे मिलवाऊँगी। सिस्टर मेरी भी आई हुई है वहाँ पे, ज़्यादा दिन का स्टे तो नहीं है, स्टे तो मेरा वहाँ पे 2 से 3 दिन का, 3 दिन मैक्सिमम, ज़्यादा नहीं। और यसीन था कि उन्होंने मुझे कल नहीं आने दिए कि आप कल मत जाएं, और फिर आज मैं निकली हूँ। और सुबह से निकलते निकलते कभी ये करो कभी वो करो, घर के सारे काम करके आई हूँ, अपनी सासू माँ के लिए खाना तक बना के आई हूँ ताकि उनको पीछे से मुश्किल ना हो। तो अभी बस मैं तकरीबन टूल प्लाजा, फिर उसके बाद ट्रैवल टू पेशावर। तो गाइस ये है हमारे पिंडी इस्लामाबाद का तो ये कुछ ऐसा है यहाँ पे, जो यहाँ पे ट्रैवल करते आते हैं जहाँ इनको तो पता ही होगा। पेशावर का भी आप लोगों को दिखाऊंगी, जो यहाँ से कभी भी वहाँ नहीं गए हैं। और बहुत से लोगों को क्रेज़ है कि हम जाएँ पेशावर पी के देखें, और आप लोगों को दिखाऊंगी वहाँ के यहाँ के रास्ते ही, कि जो लोग नहीं गए हैं तो प्लीज़ जाएँ, बड़ी खूबसूरत जगह, बहुत प्यारे लोग हैं वहाँ पे, बहुत अच्छे प्यार मोहब्बत करने वाले लोग हैं। तो ये हमारा यहाँ से हमारे पेशावर का सफ़र शुरू हो जाता है। तो मैं पूरी वीडियो तो नहीं बना सकती, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आप लोगों के साथ 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 अपडेट देती रहूँगी आप लोगों को। तो गाइस यहाँ पे अभी बारिश शुरू हो चुकी है, और बारिश भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन शीशे पे ना आप लोगों को दिखा नहीं सकती हूँ, लेकिन शीशे पे रहती हूँ, किसी ने बारिश के लिए है, यानी कि यहाँ पे किसी बारिश शुरू हो चुकी है। और यह सीन भी मुझे रास्ते में ना पानी की एक बॉटल मंगाई मैंने अपने लिए, और ये चीज़ें यह सीन के लिए की नहीं। अभी देखिए मैं आपको कुछ यहाँ का जल दिखाती हूँ साथ साथ। और गाइस ये देखिए आपको शीशे पे नज़र आ रही है, और ये देखिए मैं फ्रंट सीट पर बैठी हूँ, हाई एक्स नहीं होती थी छोटी,